अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो भाई लोग? आप उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हम जा रहे हैं ई-स्पोर्ट, और यहाँ पर आया है एक स्क्वाड। यहाँ हमारा नंबर वन जो है अपनी अकलमंदी की वजह से फिनिश हो जाएगा, और इसी तरह तो बड़ा टफ गेम प्ले है। इसमें मेरे इतने किल नहीं है, मगर डैमेज बहुत ज़्यादा दिए मैंने। वो सामने देखा स्क्वाड उतरा। अब यहाँ पर मुझे गन नहीं मिल रही। फाइनली यहाँ पे हमें मिल गई ठरता ठरता, और यहाँ पर एक बंदा था। हमारे बंदे के पास भी गन नहीं है। इसने पेन से उसको एक दे मारी और वो भग गया पीछे की तरफ। अब वो इसी रूम में है, तो यहाँ हम दोनों अकल इस्तेमाल करके मारेंगे। मैं सामने बैठूंगा ताकि वो मुझे देखे, फिर पीछे जाऊंगा, वो मुझ पर फायर करेगा, पीछे से उसको नंबर वन किल कर देगा। अब इससे थोड़ी इमो वगैरह उठा लेंगे, वीचेस फेंकेंगे, यूएमपी उठा दी। अब नीचे हमारा स्क्वाड ले रहा है उससे फाइट दूसरे टीम से। तो अब फौरन बुड़की लगाई, दौड़ के उसके पीछे गए। वहाँ जाते जाते एक नंबर थ्री हो गया डाउन, और नंबर फोर ने कर दिया एक को डाउन। उसकी हेल्थ पूरी तरह चली गई है। नंबर फोर पूरी तौर पर गया उसे रिवाइव देने के लिए, और वो आ गए वो जोकर भाई साहब ने उसे मार दिया। तो अभी नीचे पड़े हैं दो बंदे डाउन, तो ये भी डाउन हो गए। और ये जाते जाते ये सामने जो दरवाजा है उसको क्लोज करके गया, तो बस उसको मौका मिल गया। और मैंने सोचा कि अगर रिवाइव दूंगा तो अच्छा होगा। मैंने रिवाइव दोनों को जल्दी जल्दी रिवाइव दिए, इसको फर्स्ट एड किट फेंक दिया, मगर वो बाहर गए और बाहर बोट ने उसको नॉक कर दिया। मैं यहाँ आया बंदी ढूंढने के लिए कि बंदी किधर है। वो कैंप करके बैठे थे, बड़े कैंप पर थे। मैंने सोचा अब बाहर जाता हूँ, जैसे उसकी रिलोड पे लगी थी मैं इसको करूँगा फिनिश, और कर दिया इसको फिनिश यहाँ पे। अब फौरन से नंबर फोर के पीछे गया कि वो किधर है, और इतने में बोट ने उसे कर दिया फिनिश। हम बचे यहाँ पे दो, तो बोट ने गुस्सा दिलाकर मैंने जल्दी जल्दी बोट को फिनिश किया बिना हीलिंग लगाई, और फिर वहाँ से निकली, स्केस उठा लिया। मेरे साथ स्टुलके की इमो नहीं थी। अपनी टीममेट को बोल रहा था आई नीड इमो, मगर ये था रैंडम से, तो ये इमो नहीं दे रहा था। अभी हम पर हो गया दो स्क्वाड का रश, तो हम लगाएंगे अकल इस्तेमाल करेंगे। ऊपर छत पे जाएंगे, छत पे होल्ड करेंगे, और जैसे ही मैं नीचे आया मेरे सामने ये बन गया। इसमें थोड़ी देर के लिए मैं फंस भी गया, फिर सोचा चलो पीछे जाता हूँ, वो पॉइंट लेते हैं तो लेने दो। अब जो एक स्क्वाड है ऊपर, हम ऊपर है नीचे वाली छत पे, और एक स्क्वाड है और इसके नीचे दूसरा स्क्वाड है। तो यहाँ पर अभी गंदी पॉइंट, मैंने इसको सोचा कि बिलो डिजाइन नहीं करनी है, क्योंकि बिलो है नहीं और मेरा बंदा तो दे ही नहीं रहा। यहाँ पर मैंने एक अकल का काम किया, एक नेड है इसको फेंकूँगा, कुक किया और फेंका, और वो सही जगह पे लगा और हो गया बंदा किल। तो इसी तरह से ऊपर वाला स्क्वाड तो डायरेक्ट फिनिश हो गया, तो मैं समझा कि ऊपर वाला स्क्वाड फिनिश है। अब नीचे पर हम रश करेंगे। नीचे गया तो वो ऊपर आए हैं, ऊपर आ गया तो वो एक बंदा बचा, और ये लिखना लेग कर रहा था लगे।
उसको मेरे बंदे ने कर दिया डाउन। मैंने काफी डैमेज दिया था, फिर थोड़ा सा कट किया हुआ पर ऐसे वैसा घूम रहा था। मैंने इसके ऐसे एक स्क्वाड को बहुत गोलियां मारी, मगर वो जैसे ही डाउन के सब्जेक्ट में आता मेरा बंदा उसको डाउन कर देता। ये हमने किया है चिकन डिनर, इसको बंदे ने किया नाक नहीं, ये डेड गया था। इस तरह मैं इसको बंदे को डैमेज दे देता था और ये डाउन कर देता। तो इसको तोरन से करेंगे फिनिश, दो बुलेट मार ली पीछे से और गोलियाँ चली, तो बस इसको जा लिया, फिर से एक गोली मारी और फिनिश हो गया। अब बचे है 2v2v2। अभी मेरी इस केस पे लगा है सप्रेसर, तो ये बंदे समझ ही नहीं रहे थे कि बड़ी कहाँ से पड़ रही है, क्योंकि वो सामने वाले बंदों से ले रहे थे पाइट, तो वो बेचारे कंफ्यूज थे। उसने कर दिया डाउन, मैंने एक गोली मारी था, किल मुझे मिले तो किल तो चुरा लिया इसका, उसने भी चुरा लिया जिसने मारा था, क्योंकि मैंने काफी डैमेज देकर अब इस बंदे को करेंगे हम इसके हिस्से पर डैमेज दिया। मेरे बंदे ने वो प्लेजोन से डैमेज हो गया और इस तरह मैं बन गया MVP 826 मेरी डैमेज है। अब देखना मेरे बंदे के किल कितनी है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट करके बताना कि बड़ी पजूल वीडियो थी। सॉरी, अल्लाह हाफिज़।